नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। चार बज चुके हैं, फुल एंड फाइनल का वक्त हो चुका है और फुल एंड फाइनल में हम आज बात कर रहे हैं बंग युद्ध की। देखिए, एक फुल एंड फाइनल की लड़ाई अभी से शुरू हो गई है बंगाल में भी। जिस तरह से बीजेपी और टीएमसी ने पूरा जोर लगा दिया वहां पर, और वहां पर जिस तरह से इलेक्शन के महीनों पहले इस तरह से सियासत गर्म हो गई है, वो कहीं ना कहीं बता रही है कि बंग युद्ध यानी बंगाल का इस बार का चुनाव बहुत ज्यादा टफ होने जा रहा है। और आज ममता बनर्जी ने जिस तरह से उसी जगह जहां पर गृह मंत्री अमित शाह गए थे रोड शो करने, वहां एक बड़ा रोड शो कर, एक बड़ी रैली कर जिस तरह से बीजेपी पर निशाना साधा है, अब इसके क्या मायने निकाले जाए और कैसे, क्या बीजेपी के अटैक पर टीएमसी ने डिफेंसिव मोड अपना लिया है या ममता बनर्जी समझ रही हैं अटैक इज द बेस्ट डिफेंस और वही कर रही हैं, इसको समझेंगे अपने पैनलिस्ट से। जल्दी से चलते हैं वॉल पर, 4 बजे की 4 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं अपने पैनलिस्ट से बातचीत का सिलसिला। 4 बजे की 4 बड़ी खबरें आपके सामने। बैटल ऑफ बंगाल में बोलपुर का बोलबाला। जी हां, बैटल ऑफ बंगाल तो बहुत इंटेंस हो रही है, लेकिन अब शाह के बाद ममता बनर्जी ने उसी जगह पर ताकत दिखाई है, उसी बोलपुर में जो शांति निकेतन से जुड़ा हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर की जो बहुत रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ है। और रविंद्रनाथ टैगोर, बंगाली अस्मिता जिस तरह से इस पूरे चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, ये बोलपुर अब पॉलिटिक्स का एपिसेंटर बन रहा है बंगाल में। दूसरी बड़ी खबर, ममता बनर्जी का बीजेपी पर प्रहार, उनकी सभा में झंडे ज्यादा, मेरी सभा में लोग ज्यादा, क्या बताने की कोशिश कर रही ममता बनर्जी, इस पर बात करेंगे। तीसरी खबर, जिस नंदीग्राम ने ममता को शिखर पर पहुंचाया, वहां की सभा को दीदी ने क्यों ठुकराया। नंदीग्राम में ममता बनर्जी की एक सभा थी, ममता ने वो कैंसिल कर दी, और बड़ी बात यह है कि उसमें कोरोना का वहां पर उन्होंने दिया है हवाला कि कोरोना की वजह से कैंसिल कर रहे हैं, तो आज भी तो कई सारे लोग थे, वहां कोरोना नहीं फैलेगा क्या, इस पर बात करेंगे। और चौथी बड़ी खबर, बंगाल चुनाव में जेडीयू की एंट्री हो गई है, दीदी पर हमला या बीजेपी से बदला। हाल फिलहाल में जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू के बीच तल्खियां बढ़ी हैं, इसके क्या मायने निकाले जाएं, इस पर बात करेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।